देखिए इस घर में टाइम पूरा हो चुका है, अब शिफ्ट होने की तैयारी हो रही है पूरी पूरी। देखिए देखिए पता है ना आप लोगों को, वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज है। कल मैंने बोला था ना आज बड़ा सरप्राइज है, सीधा ले जाकर दिखाएंगे। तो भैया पैकिंग हो गई स्टार्ट, देखो भाई लोग आए हैं सामान लेके, सारा सामान पैक कर रहे हैं। ये बल्ब ठीक है शायद, ये जलता है, ये ठीक हो जाएगा, मैं करवा दूंगा इस पर, रख दो हेल्पी लग जाएगी इसमें। ये खराब हो गया था तभी तो हटाया था। चलो फटाओ फिर। तो भाई ये हमारा सीनू बेबी, सीनू बेबी क्या कर रही है बैठ के, हैं क्या कर रही है बैठ के? सीनू भाई से घर में छोड़ के जाएंगे? नहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, जाएंगे। यहाँ ये भैया लगे पड़े सारा सामान पैक करने, और ये रखवा, ये मैम साहब कूड़े वाली मैम साहब आज यहाँ बैठी है। आज फेस नहीं दिखाई, मुंह दिखाई लगी क्या? तू दो दिन से नहा ही नहीं है साफ बोल, बरस भी नहीं किया तूने। ये क्या चीज़ है, काम कर रहे हैं ये मौसी बेटा को सिर्फ उदम सूझ रहा है। मौसी आगे मुझे सही अपना, तू वो देखो कुको कुको को देखो, देखो इसको कोई मतलब नहीं है काम धंधे से, इसको टेडी बियर से मतलब है। ले ले तू ले ले, अरे समझ करा यार, ये लेके बैठा रहेगा आराम से बक्का। अब वो देखो पड़ाकू बच्चों के हाथ में पड़ाकू चीज ही होती है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप है ये। यही तो गलत बोला तूने, सेम टू सेम। अब बोलियो अब तो मैंने बता दिया, अनपढ़ का मत तो। और ये देखिए पैकिंग इतनी अच्छे से हो रही है कि हम लोग आराम से बैठे हुए, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग आराम से बैठे हुए, सारे भैया अपने आप ही पैकिंग कर रहे हैं। घर की पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है एक्सेप्ट किचन, और नैनो को देखो वो अपनी परमानेंट ड्यूटी पे अभी भी लगी हुई है। घर का कुछ भी काम हो ना हो, फंक्शन हो ना हो, वो भैंस यही ऊंचे पे बैठ के ही बर्तन धोएगी। फिर बोलती है मेरी बेइज्जती करते हैं सारे, मेरे कान्हा जी का भी सामान पैक हो गया सारा, और मैं घूम रही हूँ मोर पंख लेके हाथ में पड़े। और अरे आ गए सीनू के पापा, आए गए हुए थे ये जहाँ हमारा नया घर है वहाँ पे। हम लोग इतने रिलैक्स्ड हैं, मतलब देख रहे इतना बड़ा फोन होता है, ब्लॉग की शिफ्टिंग के टाइम हम चल रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फोन में ब्लॉग देख रहे हैं खुद के खुद ही। बस बेटे को देखो बेबी, देख सारा सामान तो ऊपर चला जाएगा इधर। हाँ अभी दो जगह तो ढाई बज जाएंगे, हाँ नीचे को खाली कर दूंगा उनको। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, नहीं कर रहे हैं मत बताओ ना कहाँ पे क्या पल के पड़े हो, ये बस सामान का बताओ, ब्लॉग बन रहा है आराम से। हाँ बात कर लिए, बात कर लिए। जी अब जा रहे हैं हम ये जगह छोड़ के, रह लिए कुछ महीने यहाँ भी, कुछ वक्त गुजारा घर, अब जा रहे हैं नए में हम। ये सामान हमारा लग रहा है, और मेरे बोरे मेरे छोटे छोटे पौधे जिनको यहाँ से ले जा कर वहाँ लगा रहे हैं भैया। मतलब मैं तो हैरान हूँ काम देख के यार, हमारे जो लेबर भैया वगैरह होते हैं मजदूर भाई हमारे, बहुत काम करते हैं, मतलब लिटरली बहुत काम करते हैं। आप देख सकते हो कितना सामान है हाथ से उतारा है, और अभी तो बहुत सामान ऊपर बाकी है, एकदम तरीके से ले जा के रख रहे हैं। तो जी इतने समय हमने इस घर में बिताया, अब ये खाली हो गया, थोड़ा गंदा हो रहा है, थोड़ा साफ कर दूँ कोई बात नहीं, और ऑलमोस्ट खाली है। इसके ऊपर ये छोटा छोटा सामान है, वो सब एक बार में इकट्ठा हो जाएगा, सामान सारा पैक हो गया ये देखिए। और हम लोग ये खड़े, ये री आंटी, और अब बहुत दिन रैली आंटी के साथ अब हम जा रहे हैं अपने घर। और वो देखो सुखंडी, वो तो अपना मुंह ही छुपाती रहती है, कहाँ है ये री, ये री, ये री। शाली तू ना इसमें काली, इतनी काली है इसमें, बिल्कुल ही काली आ रही, दिख भी नहीं रही तू, जा यहाँ से। तो गाइस फाइनली अब हम आपको बताने वाले हैं कि सरप्राइज क्या था, अभी आपको पता चलेगा, जीजू खुद बताएंगे तो देखते जाइए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जीजू यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। जीजू लोगों को बताना क्या था प्राइस था, देखो इधर ये अभी पूरा सफाई पे फोकस है। जीजू लोग जानना चाहते हैं प्राइस तो बता दो। हमने नया नया काम बोला ये फ्री की लेबर है, देख सकते हैं आप, किसी को कराना हो अपने घर की साफ सफाई दो कॉन्टेक्ट।
सकते हैं आप लेवर नंबर टू, ये लेवर नंबर वन, लेवर नंबर थ्री और ये लेवर नंबर फोर। मैं सुबह से काम कर रही हूँ यार, हद हो गई, मतलब तुम्हारे काम में लगा रखा रहते। अब मैं फोन पकड़ूंगी, मैं दिखूंगी कि काम होगा। सरप्राइज तो बता दो लोगों को। तो दोस्तों हमने अपना नया घर खरीद लिया है, मतलब ये देखो ये हमारा नया घर है जिसमें ये मजदूरी कर रही है। अच्छे से अच्छे से पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे खुद को पैसे नहीं मिल रहे। अभी ये बच्चों को इस डंडे से बच्चों को मार रही है देखो, और ये भी मार, और ये मोटी भी मार रही थी, ये खड़ी हुई है जो, ये देखो झूठी कहीं किस डंडे से मारा है शिनू को अभी। वो कह रहा मैं मारूंगी, ले ले मैं मारूंगी, चला जा यार, मुझे यार चानी छोड़ दे दे दिया मैंने, मैं दे इसको कीचड़ में लौट मैंने शाम को सुन लिया। अभी डैडी आएंगे ना, सुताई होगी तब जाएंगे कक्का। पापा आएंगे, पापा कुत्ती करेंगे कुत्ती पिट। पंडित जी एक बार और बताना क्या बोला था आपने, हवा वाला डायलॉग। हमको लग रहा है आप चाउमीन और बिल्कुल बिल्कुल चिली पटेटो और चाउमीन की दुकान है ये खुद में। अभी देखे थे नमकीन कटोरी पे भर के बाहर जा रही थी खाने के लिए, इतना बोला ये सब आपको। तब जाके आप इंसान जैसे बनोगे। फोन के चार्जर नहीं दूंगी, चार्जर मेरे लिए, पर चार्जर तेरा चार्जर है भी यूज नहीं कर रहे हम। मैंने उठा के रखा है, चिमका को पौधा है मैं उससे कर लूंगी। दोस्तों घर में हो गई है थोड़ी सी सामान की सेटिंग, और हम अभी अपने पड़ोस वाले घर में हैं फिलहाल, क्योंकि वहाँ सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और आई नो आप लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ होगा हमारे नए घर के बारे में सुन के, बट हम बहुत टाइम से बता रहे थे कि कुछ सरप्राइज है सरप्राइज है, थोड़ा बिजी चल रहे हैं इसी घर के लिए, बिजी चल रहे थे। और कल इसका गृह प्रवेश है, तो अब मैं आपको कल इस घर का थोड़ा 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 दिखाती हूँ। और जब पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, जिसमें अभी थोड़ा हफ्ता दस दिन हमें जाएगा, उसके बाद मैं आपको अपने घर का पूरा होम टूर भी करवाऊँगी। तो तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।